गैंगस्टर दीपक बॉक्सर को लेकर दिल्ली पहुंच गई है दिल्ली पुलिस। एयरपोर्ट पर भारी सुरक्षा के बीच बॉक्सर को लेकर निकली है स्पेशल सेल की टीम। एफबीआई की मदद से मैक्सिको में पकड़ा गया था दीपक बॉक्सर, जो कि कई मामलों में वांछित था। हत्या, फिरौती और वसूली जैसे मामलों में मोस्ट वांटेड अपराधी है दीपक बॉक्सर। फर्जी पासपोर्ट बनाकर विदेश भाग गया था, लेकिन पुलिस की पकड़ से बच नहीं सका। दिल्ली के अलग अलग थानों में 10 से ज्यादा मामले दर्ज हैं दीपक बॉक्सर के खिलाफ। सेल के बड़े अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। स्पेशल कमिश्नर एसजीएस धालीवाल के नेतृत्व में टीम दिल्ली एयरपोर्ट से दीपक बॉक्सर को लेकर निकल चुकी है। और शिकंजे में है गैंगस्टर। देखिए, दीपक बॉक्सर को गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली एनसीआर का टॉप गैंगस्टर है दीपक बॉक्सर। गोगी गिरोह की कमान संभाल रहा था दीपक। 2018 से फरार चल रहा था दीपक। पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमले का आरोप है। दिल्ली में बिल्डर की हत्या का भी इसके ऊपर आरोप है। मैक्सिको से दिल्ली लाया जा चुका है। स्पेशल सेल इसे लेकर आई है। तो गैंगस्टर दीपक बॉक्सर को गिरफ्तार किया गया और देखिए एफबीआई की मदद से मैक्सिको से इसे गिरफ्तार किया गया और फिर मैक्सिको से इसे वापस भारत लाया गया। गोगी गैंग से इसका ताल्लुक रहा है। कई गंभीर आरोप हैं, यहां तक कि पुलिस वालों के ऊपर भी हमले के आरोप रहे हैं इस पर, लेकिन कानून के हाथ से यह बच नहीं पाया। विदेश भागने के बावजूद इसे आखिरकार गिरफ्तार करके वापस देश लाया गया। से पहली ऐसी है हमारी एक्शन जिसमें इतनी कोऑर्डिनेशन, इतनी एजेंसीज, एफबीआई थी, इंटरपोल थी, मैक्सिकन पुलिस थी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के दूतावास थे, हमारी ओन इंटेलिजेंस एजेंसीज थी, तो सबकी मदद रही, सबकी सपोर्ट रही, जिसके कारण से ये सक्सेस हो पाया। एक्शन अभी इसकी अरेस्टिंग हो गई है, इसकी पुलिस कस्टडी रिमांड लिया जाएगा डिफरेंट केसेस में जिसमें ये वांटेड है, और उसके बाद जो चीजें सामने आएंगी उसके अनुसार आगे की कार्रवाई करी जाएगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, दिल्ली पुलिस के अधिकारी भी पूरे प्रक्रिया के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि देश से फरार होने के बावजूद इसे मैक्सिको से वापस दिल्ली लाया गया है।